हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए, एमडीसीए, ओ लेवल में आपको जो क्वेश्चन मिलता है कहां से बनता है, वो बेसिक चीजों से। तो आज उसी के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, बेसिक जानकारी कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं यहाँ पर। इससे पहले जो लोग चैनल पर हमारे नए जुड़े होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे जो भी हमारा वीडियो बनेगा आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सीपीयू के कुछ पार्ट लिखे गए हैं और इसको जो है हम जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कलर कर दे रहा हूं कोई येलो। अब इस पार्ट को भी अगर येलो अगर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की माध्यम से यहाँ पर येलो करने वाले हैं। बस आप लोगों को F4 की यहाँ पर यूज करना है, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। किस चीज का? F4 की का। जैसे यहाँ पर F4 की क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यह कलर दे देने वाला है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ से आल बॉर्डर यूज कर ले रहे हैं तो यह आप लोगों को क्या करेगा, ऑल बॉर्डर का यूज कर देगा F4 की के माध्यम से। यहां पर देखेंगे जैसे मैं यहां पर F4 की प्रेस किया तो आप लोगों को यह क्या किया, यहां पर वह पिछला वाला रिपीट जो है यहां पर दे दिया गया है। अगर इसको मूव कराना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब मूव कराने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, जब तक यह वाला पॉइंट आपको कर्सर दिख नहीं रहा है, जब तक यह वाला पॉइंट आपको यहां पर आएगा नहीं, तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। जब तक ऐसा माउस का देखिएगा, कर्सर देखिएगा कैसा दिख रहा है इस वक्त, जब तक ऐसा नहीं आएगा तब तक आप लोग क्या करेंगे, मूव नहीं कर सकते। ये देखिए आपका मूव हो चुका है। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं, यह तो आपका हो गया मूव का। अब यहां पर बात किया जाए कि रो और कॉलम कैसे यूज करते हैं। तो रो और कॉलम यहां पर देखेंगे कि रो और कॉलम, तो ये आपका जो पॉइंट इस तरीके से जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, रो। और कॉलम किसको बोलते हैं, इस तरीके से जो आ रहा है इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम आपका खड़ा होता है और रो हमेशा जो है पट रहता है। ओके, तो ये आपको तरीका हो गया यहां पर याद करने के लिए। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, कॉलम खड़ा रो पड़ा। जो व्यक्ति अगर यहां पर रो रहा है तो वह हमेशा लेट के यहां पर रोता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रो। और कॉलम मतलब पिलर, आपका हो गया पिलर, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम खड़ा। ओके, तो यहां पर यह हो गया कॉलम और रो की बात। जो कॉलम और रो से प्रतिच्छेदन से एक क्रिया बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो यह आपका जो आयताकार दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। जैसे कि यहां पर आप लोग टाइप करेंगे तो यह सेल के अंदर आप लोगों का टाइप हो रहा है। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं एक्टिव माउस पॉइंटर को। तो एक्टिव क्या करता है, जैसे कि अगर मुझे एक्टिव यहां पर मैं टाइप कर दे रहा हूं 1 और 2। ओके, अब इन दोनों को अगर एक्टिव कराना है तो माउस का कर्सर देखिएगा यहां पर, यह प्लस जैसा एक बन के आ रहा है, इसको क्या करना है, जब तक यह सेलेक्ट नहीं कर लेगा इसको, जब यह सेलेक्ट का प्रक्रिया जो कर रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव माउस पॉइंटर सेल। ओके, अब ये एक्टिव हो चुका है, अब इसको जो है ड्रैग करना चाहते हैं तो ड्रैग कर सकते हैं। तो यह जो प्रक्रिया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। और यहां पर जो ड्रैग किया गया उसे बोलते हैं ऑटो फिल। अगर आप लोगों को डिलीट करना होगा इसको जो टाइप किए हैं, तो ये एक सिंपल सा है, आप लोगों को जितना डिलीट करना है उतना डिलीट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को डिलीट करने के लिए, यहां पर जहां पर आप लोगों को फील वाला ऑप्शन आया था, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं प्लस वाला, अब इसको दबाना है माउस का लेफ्ट बटन और इसको सीधा ऊपर लेके जाएंगे तो यह क्या करेगा, डिलीट कर देगा। उतना ही डिलीट करेगा जितना आप लोगों को आवश्यकता है यहां पर। अब यहां पर हम बात करते हैं सम फंक्शन का। तो सम के लिए थोड़ा सा हम यहां पर जो है टाइप कर लेते हैं कुछ अंक इस तरीके से प्रोवाइड, देखिएगा ये आपका हो गया सम यहां पर। तो अब इसको अगर सम करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम कोष्टक अन, ये आपका सम करने के लिए
इसको यहां से लेकर के यहां तक पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा और कोष्टक बंद करके यहां पर देन एंटर कर लेंगे तो यह आप लोगों को जोड़ करके दे देगा। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना, यहां पर यह आप लोगों को जोड़ करके दे रहा है। यह आपका क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं सेलेक्ट करने की, तो मैं यहां पर कुछ टेक्स्ट जो है टाइप कर दे रहा हूं इस तरीके से, और यहां पर यह चीज हो गया, इसको भी हम लोग यहां पर कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग जो है इस तरीके से ड्रॉप डाउन कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर हम मान लीजिए कुछ अंक प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके से भी, इसको जो है यहां पर ड्रैग कर लेते हैं, यह आपका हो गया। और इसको हम जो है नीचे तक यहां पर कुछ जो है ड्रैग कर ले रहे हैं, ये देखेंगे ड्रैग हो गया। अगर यही पॉइंट मुझे और चाहिएगा, जैसे कि मैं यहां से क्लिक कर देता हूं, ये आपका पॉइंट दिख रहा है ना। अब यहां पर अगर मान लीजिए मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, यहां पर यह देखेंगे कि जैसे यहां पर मैं क्लिक किया, इसके बाद क्या करना है, यहां पर जैसे कंट्रोल ए दबाएंगे तो यह देखेंगे कि इस एरिया इतना ही सेलेक्ट किया, यहां पर देखेंगे ध्यान से यह एरिया इतना ही सेलेक्ट किया लेकिन बाकी चीजें यहां पर सेलेक्ट नहीं किया है। तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यहां पर अगर जैसे यहां पर कुछ अंक टाइप करेंगे, अगर यहां पर आप कंट्रोल ए करेंगे तो अब देखेंगे कि यह जो है पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया है। क्यों, क्योंकि इसमें एक कारण था, यह एरिया जो है पूरा आपका जो है रो वाला यह ब्लैंक था। अगर एक भी सेल यहां पर ब्लैंक हुआ तो यह क्या करेगा, उतना सेलेक्ट नहीं करेगा, जितना आपका एरिया पाएगा उसमें वह सेलेक्ट कर लेगा। अगर यहां पर अगर हम क्लिक करके कंट्रोल ए करते तो ये आपका पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेगा। ओके, यह कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए कि सेलेक्ट करने में आप लोगों को कोई दिक्कत हो। तो यहां पर अब हम बात करते हैं, यह आपका हो गया। अब यहां पर हम करते हैं बात एबीएस फंक्शन। तो या तो यहां पर स्क्वायर हम का फंक्शन कर लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी चीज का स्क्वायर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे टाइप करते हैं यस क्यू आर टी कोष्टक आन, यह तो आपका हो गया। अब यहां पर जिस चीज का नंबर का अगर स्क्वायर निकालना होगा, जैसे कि मान लीजिए 144 का निकालना होगा, कोष्टक बंद करके इंटर कर लेंगे तो 144 का आप लोगों को स्क्वायर आप लोगों को कंफर्म पता होगा कि 12 होता है। जैसे यहां पर इंटर करेंगे तो ये आपका जो है रिजल्ट देने वाला 12 स्क्वायर रूट, यहां पर इसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं गुणा की, जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम कुछ अंक दे दिए और यहां पर भी अंक दे दिए, अगर इसको गुणा करना है तो हम लोग क्या करते हैं इक्वल प्रोडक्ट फंक्शन यहां पर लगा देते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करके जैसे ही एंटर मारेंगे तो यह जो है दोनों को गुणा करके यहां पर देने वाला है। प्रोडक्ट के लिए क्या करता है, यहां पर गुणे का काम करता है। स्क्वायर रूट निकाल के, स्क्वायर रूट निकालने के लिए यस क्यू आर टी फंक्शन का यूज किया जाता है। पाई का मान तो सबको पता होता है, तो यहां पर पाई का मान कैसे निकालेंगे, इक्वल पी आई कोष्टक ऑन ऑफ देन इंटर कर लेंगे तो यह आपको पाई का मान यहां पर निकाल के दे दिया है। इक्वल मैं फिर से बता दे रहा हूं, इक्वल और यहां पर लिखेंगे पी आई और कोष्टक ऑन ऑफ, ये इतना ही लिख करके आप लोग इंटर करेंगे तो ये आपको 22/7 को ये कन्वर्ट करके आपको लोगों को दे देने वाला है 3.14159। ओके, तो ये आपका हो गया पाई का। अब यहां पर हम बात करते हैं पावर की, अगर यहां पर अगर पावर निकालने की बात किया जाए तो हम लोग यहां टाइप करेंगे इक्वल पावर, मैं छोटा छोटा यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से पावर। अब यहां पर जिस चीज का पावर निकालना होगा तो यहां पर हम टाइप कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 5.2 यहां पर निकालना है तो 5×5=25, तो ये डायरेक्टली आप लोगों को 25 यहां पर दे देगा 5×2, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। 5×, मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग कर दे रहा हूं आप लोगों को दिखने के लिए, यहां पर देखेंगे 5×2 मतलब 5 = 5×2, तो ये आप लोगों को रिजल्ट दे देने वाला है यहां पर 25। ओके, अब यहां पर अगर रोमन की बात किया जाए, जैसे कि मुझे रोमन में लिखना है इक्वल रोमन कोष्टकान, अब जो भी अंक आप लोगों को रोमन में लिखना होगा हम लोग यहां पर 99 करते हैं, कोष्टक बंद करते हैं देन इंटर कर लेंगे तो ये आप लोगों को रोमन में दे देने वाला है। अगर यहां पर 99 लिखा हुआ पहले से हो, अगर इसको रोमन में निकालना है तो इक्वल रोमन
कोष्टकान, और यहां पर जैसे क्लिक करेंगे इंटर कर देंगे तो ये आप लोगों को रोमन में दे देने वाला है, ये आप लोगों को निकाल करके। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे कि यहां पर 99 लिखा गया है, और यह मान लीजिए हम यहां पर निगेटिव वैल्यू दे दे रहे हैं, मान लीजिए यहां पर 99 जो है निगेटिव वैल्यू है, अगर इसको पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे इक्वल एबीएस कोष्टकान, और इस वाले वैल्यू को सेलेक्ट करना है, और यहां पर देन इंटर करेंगे तो यह निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देगा। क्लियर, ये बी एस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देगा। अब यहां पर हम बात करते हैं एलसीएम की, अगर एलसीएम निकालना है एलसीएम कोष्ठकांक, यहां पर देखेंगे एलसीएम यहां पर बोल रहा है आप लोगों से नंबर कॉमा नंबर कॉमा नंबर कॉमा, जितना भी आप लोग को लगाना चाहते हैं यहां पर लगा सकते हैं, तो यहां पर 2, 4, 8 यहां पर मैं दे दे रहा हूं, तो आप अगर इसका रिजल्ट निकालना होगा, यहां पर डबल हो गया है कॉमा, इसको एक कॉमा को मैं डिलीट कर लिया, अगर इसका रिजल्ट मुझे चाहिएगा तो आप लोगों को बेसिक पता होगा कि इसका जो है रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है एलसीएम अगर निकालेंगे तब, यहां पर जैसे यहां पर इंटर करेंगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा 8। तो इस तरीके से आप लोग जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर बात किया जाए मोड की, ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं मोड कोष्टकान मोड, अगर 13 से भाग देंगे सॉरी 2 से भाग देंगे 13 में तो आपका क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको शेषफल, क्या आना चाहिए शेषफल, 1, 2 छक्का 12 बचा कितना 1, तो यहां पर हम जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट क्या देगा 1 टाइप करेगा, इसको बोलते हैं मोड फंक्शन। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट फंक्शन, कॉन्टिनेंट फंक्शन के लिए इक्वल यहां पर टाइप करेंगे कॉन्टिनेंट, और टाइप करने के बाद कॉन्टिनेंट टाइप करने के बाद आप लोगों को इसको बोलते हैं भागफल, कॉन्टिनेंट मतलब भागफल, जैसे कि मान लीजिए हम अगर 13.2 से ही भाग दे रहे हैं, अब यहां पर 2 छक्का 12 तो आप लोगों को रिजल्ट क्या देगा 6, कितना देगा 6, यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं 2 छक्का 12 आप लोगों को क्या रिजल्ट देने वाला है 6, तो यहां पर जैसे कि 2 से अगर भाग देंगे 13 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, ये आपका शेष फल जो है यहां पर यह दिखाएगा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं राउंड की, यहां पर राउंड की जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दें, यहां पर क्या करेंगे राउंड लिखेंगे, राउंड राउंड हो गया। अब यहां पर नंबर पूछ रहा है तो नंबर के लिए जिसकी की मान लीजिए हम 59 कर दिए, और यहां पर क्या करें डॉट दे दिए, अब यहां पर जो भी वैल्यू आप लोगों को लिखना है लिख देंगे, अब यहां पर कॉमा लगाएंगे, यह जो कॉमा लगाए हैं ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कॉमा लगाने के बाद जितना अंक लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 लिख दिया हूं मैं यहां पर, तो यह जो दशमलव लगा है इसके बाद वाला अंक कितना देना चाहिए 2, कोष्टक बंद करके यहां पर देन इंटर जैसे करेंगे तो यहां पर रिजल्ट देख सकते हैं, यहां पर दशमलव के बाद हमारा जो अंक दिया है कितना है 13 है, तो यहां पर 1 और 2 ये 2 अंक हो गए, तो यहां पर 2 अंक ये प्रोवाइड कर दिया। अगर हम यहां पर 3 लिख दिए कितना अंक देगा 3 अंक देने वाला है, इसको क्या बोलते हैं राउंड फंक्शन। अब बात करते हैं हम नाउ की, तो यहां पर टाइप करते हैं इक्वल नाउ कोष्टक ऑन ऑफ, ये आप यहां पर जैसे यहां पर इंटर करेंगे तो ये आप लोगों को क्या रिजल्ट देने वाला है टाइम एंड डेट, ये क्या करता है टाइम एंड डेट दोनों प्रोवाइड करता है, कौन सा फंक्शन नाउ फंक्शन, जब यहां पर क्लिक करेंगे तो नाउ क्या करता है टाइम एंड डेट दोनों प्रोवाइड करता है। अगर हम बात किया जाए टूडे का, इक्वल टूडे जो कि हम टूडे के फंक्शन यहां पर बहुत बार बार बता चुके हैं, यहां पर आप लोग नोटिफिकेशन में जाकर के यहां पर मिल सकते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे टूडे, टूडे का अगर आप लोगों को फंक्शन लगाना है कोष्टक ऑन और ऑफ, जैसे यहां पर एंटर करेंगे तो टूडे फंक्शन आपको डेट वाली प्रोवाइड करेगा, और नाउ फंक्शन डेट और टाइम दोनों प्रोवाइड करने वाला है, यहां पर देखेंगे टूडे फंक्शन जो है डेट प्रोवाइड कर रहा है
और यहां पर नाउ फंक्शन जो है डेट एंड टाइम दोनों प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं हम यहां पर मंथ की, तो टाइप करेंगे इक्वल मंथ कोष्टकान, जैसे कि मान लीजिए आप कितनी तारीख है, तीन। ओके, यहां पर तीन चार चौबीस कोष्टक बन इंटर करेंगे, तो ये आप लोगों को मंथ कितना प्रोवाइड किया यहां पर देखेंगे। यहां पर सॉरी, यहां पर हम इसमें जो है जनरल कर देते हैं, ये आप लोगों को जनरल प्रोवाइड होगा इक्वल, मैं फिर से लगा देता हूं इक्वल मंथ कोष्टकान, और डबल यूनिट कामा के अंदर लिखेंगे हम लोग क्या टाइप करेंगे यहां पर डबल यूनिट कामा के अंदर, जैसे कि मान लीजिए तीन चार 2024 और डबल यूनिट कामा क्लोज कोष्टक बंद देन इंटर। ये आप लोगों को क्या प्रोवाइड किया है मंथ, कौन सा मंथ है फोर मंथ, तो मंथ के लिए आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं यहां पर देखेंगे कि मंथ इक्वल मंथ लिख देंगे, और ये आपको डेट में से पूरी जो है मंथ यहां पर निकाल के प्रोवाइड करने वाला है। अगर हम बात किया जाए यहां पर ईयर निकालने के लिए, तो टाइप करना पड़ेगा यहां पर क्या ईयर, ईयर टाइप करेंगे तो आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाला कौन सा है 2024, जैसे यहां पर इंटर करेंगे तो ये देखेंगे कि 2024 आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अगर हम बात कर दिया जाए यहां पर डेट की, तो मैं यहां पर क्या करूंगा डे फंक्शन यहां पर यूज कर लूंगा, और डे जैसे यहां पर इंटर करेंगे तो ये आपको जो है थ्री वैल्यू यहां पर प्रोवाइड कर रहा है। थ्री से बात आया, जैसे कि अगर इसके अंक जैसे कि यहां पर कोई जीरो और तीन बोल दे लिखने के लिए, तो आप जैसे यहां पर इंटर करेंगे तो ये आप क्या प्रोवाइड करेगा थ्री वैल्यू करेगा। अगर यहां पर आप लोगों को चाहिए कि नहीं मुझे आपको जीरो चाहिए, तो आप लोग इसके लिए आप लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं कॉमा लगाएंगे अलगा से, और जीरो तीन लिख करके जैसे यहां पर इंटर करेंगे तो ये जीरो और तीन वैल्यू प्रोवाइड कर देने वाला है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, यहां पर है जितना भी फार्मूला बताया जा रहा है आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लेफ्ट फंक्शन की, तो इक्वल लेफ्ट टाइप करेंगे लेफ्ट कोष्टकान। ओके, कोष्टकान, अब यहां पर जैसे कि मान लीजिए मुझे टाइप करना है यहां पर ए जेड ए एम जी ए आजमगढ़, अब यहां से डबल यूनिट कॉमा लगाएंगे और कॉमा देंगे, आजमगढ़ में से जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड से कितना वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे थ्री करना है। ओके, कोष्टक बंद करके एंटर करेंगे तो ए जेड ए यहां पर रिजल्ट आप लोगों को आने वाला है, ये देखेंगे ए जेड ए साइड आपका प्रोवाइड करता है, तो यहां पर लगाएंगे इक्वल लेफ्ट कोष्टकान डबल डॉट कॉमा और ए जेड ए, क्योंकि यह जो है हमारा थ्री लिखा गया है इसलिए थ्री कर रहा है, और यहां पर जैसे हम फोर करेंगे तो ये आपका 34 हो गया था, यहां पर फोर करेंगे और इंटर करेंगे तो ए जेड ए एम भी प्रोवाइड करेगा यहां पर। अगर हम बात किया जाए नहीं यहां पर लेफ्ट की जगह हम अगर राइट कर दे रहे हैं आर आई जी एस टी, तो राइट में चार अंक प्रोवाइड करेगा, कौन कौन सा करेगा जी ए आर एच, यहां पर चार अंक हो गया तो ये आपका क्या प्रोवाइड करेगा जी ए आर एच, आपका लेफ्ट साइड से मतलब इस साइड से आपको यह काउंट करके दे रहा है। ओके, अब हम बात किया जाए यहां पर लेफ्ट और राइट हो चुका है, अब यहां पर हम बात किया जाए अपर केस की, जैसे कि मान लीजिए अगर यहां पर मैं टाइप कर दे रहा हूं देवराज, और यहां पर भी टाइप कर दे रहा हूं देवराज, और यहां पर चलिए एक और टाइप कर दे रहा हूं देवराज। ओके, अब यहां पर अगर मुझे अगर अपर फंक्शन यूज करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैं टाइप कर देता हूं इक्वल अपर यू डबल पी ई आर अपर कोष्टकान, अब यहां पर अपर केस में आप लोग ध्यान में रखना है कि ये जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उस वैल्यू को यह कैपिटल में करके दे देने वाला है, जैसे यहां पर एंटर करेंगे मैं देखिएगा यहां पर कौन सा सेलेक्ट किया हूं स्मॉल, तो स्मॉल जैसे ही यहां पर सेलेक्ट किया हूं तो यह क्या दे दिया है यहां पर अपर, यहां पर कैपिटल लेटर में यह पूरा प्रोवाइड करके दे दिया है। अगर हम बात करते हैं लोअर फंक्शन की, लोअर कोष्टकान, अब यहां पर जैसे कि लोअर जैसे कि यह कैपिटल लिखा गया मैं इसको सेलेक्ट कर लिया यहां पर, अब कोष्टक बंद करके यहां पर जैसे इंटर करेंगे
तो यह स्मॉल में करके दे देने वाला है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस केस की, जो एक पहला कैपिटल होता है बाकी स्मॉल में होता है, तो यहां पर हम लोग टाइप करेंगे इक्वल प्रॉपर फंक्शन। क्या टाइप करेंगे? प्रॉपर। तो यहां पर हम जो है प्रॉपर टाइप कर लेते हैं, ये देखिए प्रॉपर आ चुका है, और यहां पर बोला जा रहा है टेक्स्ट, तो यही सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर कोष्टक बंद करके एंटर करेंगे, तो पहला लेटर कैपिटल, बाकी जो लेटर है यहां पर स्मॉल दे देने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं रेन लेन फंक्शन की। ओके, तो यहां पर लेन के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे, जिसके मान लीजिए हमारे पास है, चलिए कोई बात नहीं है, इक्वल लेन कोष्टक आन, लेन में टेक्स्ट बोला जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे। अब यहां पर यह बताएगा लेन मतलब काउंट करके बताने वाला है कि कितना इसमें लेटर है, जैसे यहां पर एंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा 6 जो है डिजिट का नंबर यहां पर टेक्स्ट आपका लिखा गया है, जैसे कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 यह काउंट कर लेंगे तो ये आपको बताने वाला है। अगर बाय द वे अगर यहां पर मैं टाइप कर दे रहा हूं स्पेस यहां पर PRAJAPATI, अब यहां पर ये आपको क्या कर दिया 16 बताया, इसमें अगर यहां पर देखेंगे तो यह स्पेस को भी यह काउंट करेगा, ध्यान रखिएगा यह स्पेस वैल्यू को भी काउंट करता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं एवरेज फंक्शन। एवरेज कैसे निकालते हैं, यहां पर हम कोई अंक प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जैसे कि आपका अंक कोई प्रोवाइड हम यहां पर कर लिए हैं, इसको जो है हम डेट में कन्वर्ट कर लिए हैं, इस कारण यह डेट में आ रहा है, इसको हम जो है जनरल कर दें नॉर्मल, ये आपका अब आप लोगों को क्या करना है एवरेज निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इक्वल और यहां पर टाइप करेंगे एवरेज, क्या करेंगे एवरेज कोष्टक आन। अब इस वैल्यू को पूरा क्या करना है सेलेक्ट करना है, कोष्टक बंद करके यहां पर एंटर कर देंगे, तो ये आपको आ रहा है जो है एवरेज आपका निकाल के यहां पर दे दिया। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आप लोग क्या करना है सबसे पहले तो इसको जो है जोड़ देंगे, तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम और कोष्टक आन करके यहां पर एंटर कर लेंगे, तो ये आप लोगों को निकाल के दे दिया कितना 248। अब 248 में आप लोगों को भाग देना है, किससे भाग देना है, तो यहां पर काउंट करेंगे 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर प्लस लगाएंगे और यहां पर भाग किससे देंगे 12 से, तो 248 भागे यहां पर 12 लिख करके एंटर कर देंगे, तो ये देखेंगे रिजल्ट आपका यहां पर प्रोवाइड आ चुका है। तो रिजल्ट यहां पर एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं उसको जोड़ते हैं, इसके बाद यहां पर उस संख्या से हम लोग क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो यह आप लोगों को यहां पर क्या करता है रिजल्ट उसका दे देने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं एवरेज तो हो गया, अब हम बात करते हैं यहां पर मैक्स फंक्शन की। तो मैक्स निकालने के लिए जैसे कि यहां पर हम निकाल देते हैं इसी संख्या में से निकालते हैं, चलिए मैक्स एक निकाल लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, यहां पर टाइप करना है इक्वल मैक्स कोष्टक आन और इसी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है, यहां पर जैसे इंटर करेंगे तो ये आप लोगों को इसमें से सबसे अधिक संख्या कौन सी है, अगर आप लोगों के पास डेटा बहुत ज्यादा हो रहा है तब आप लोग उसमें से मैक्स अगर ढूंढना होगा, या तो मैक्स का फार्मूला जो है बहुत बार लगाया जा चुका है, आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यहां पर आप लोग मैक्स लगाया गया, मैक्स लगाने के बाद जैसे यहां पर एंटर करेंगे तो इसमें से वैल्यू सबसे अधिक जिसकी होगी वही आप लोगों को निकाल के देने वाला है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर देंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं मीन फंक्शन की, तो यहां पर टाइप करेंगे इक्वल मीन कोष्टक आन, अब इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वह क्या करेगा निकाल के यहां पर देने वाला है, तो सबसे छोटी इसमें से क्या है 1 है, इसमें से कौन सी छोटी संख्या है 1 है, तो ये आप लोगों को निकाल के दे दिया है मीन। अब बात करते हैं हम काउंट की, तो इक्वल काउंट टाइप करते हैं काउंट कोष्टक आन, अब इसमें से जो सेलेक्ट होगा जो सेलेक्ट जो टाइप किया गया है वैल्यू उसको काउंट कर रहा है, तो काउंट करने के लिए आप लोग लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल काउंट कोष्टक आन, कोष्टक आन और यहां पर कोष्टक आप करके यहां पर इंटर कर लेंगे,
तो ये आपको बताएगा कि 12 जो है डिजिट यहां पर लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो है काउंट कर सकते हैं। अब इसमें से वैल्यू पूछा जा रहा है काउंट ब्लैंक की, तो यहां पर मैं टाइप कर दूंगा जो है काउंट ब्लैंक फंक्शन। तो यहां पर क्या करता हूं, काउंट ब्लैंक टाइप करके बस एंटर कर देंगे, तो ये आपको बताएगा सिक्स डिजिट है वो क्या है, ब्लैंक है। अब कैसे ब्लैंक हो गया, तो ये आपका एक संख्या हो गया 2 3 4 5 6। अब इसी को वैल्यू में से ना देखिएगा, आप टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसी में से ये 6 वैल्यू जो है आपका ब्लैंक है, इसलिए क्या किया है ब्लैंक यहां पर निकाल के दे दिया है। अब यहां पर थोड़ी सी जो है हम यहां पर एक्सेल के बेसिक में जान लेते हैं, जैसे कि यहां पर दिया गया मिन फंक्शन, मिन तो मिनिमाइज, तो मिनिमाइज ये आपको किस बार में मिलता है, तो टाइटल बार में आपको क्या मिलता है, मिनिमाइज यहां पर बटन मिलता है, और यहां पर टाइटल बार में एक और बटन मिलता है, इसका नाम है रीस्टोर डाउन, और एक और मिलता है इसको बोलते हैं क्लोज। तो टाइटल बार में कितने बटन प्रॉपर मिलते हैं, 3 बटन मिलते हैं, कौन कौन सा है, मिनिमाइज रीस्टोर क्लोज। ओके, यहां पर टाइप करते हैं कौन कौन सा बटन मिलता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज। तो यहां पर हमको बोलते हैं यहां पर मिनिमाइज जैसे क्लिक करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट डाउन है यहां पर यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की, तो विंडोज प्लस एम, जैसे यहां पर विंडोज प्लस एम करेंगे तो ये आपका क्या होगा, मिनिमाइज हो चुका है। अब मैक्सिमाइज करने के लिए विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम, क्या करेंगे, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम से जो है आपका यहां पर क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज किससे होता है, विंडोज प्लस एम से। ओके, विंडोज प्लस एम मिनिमाइज, और मैक्सिमाइज के लिए विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम। ओके, तो आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब क्लोज के लिए आप लोग अल्ट प्लस या फोर से जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। अगर इसको रीस्टोर डाउन करना है तो क्या करेंगे, जो टाइटल बार दिख रहा है इस पर आप लोगों को क्या करना, डबल टैप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि यह जो है पार्ट आप लोगों को छोटा हो चुका है और यह आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करने वाला है इस तरीके से कुछ। अब इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं तो ये आपको पूरा फुल स्क्रीन पर दिखाने वाला है। ओके, टाइटल बार के नीचे क्या आ जाता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार कौन सा हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। अब यहां पर मेन्यू बार के नीचे क्या पाया जाता है, जो है यहां पर टूल बॉक्स पाया जाता है, कौन कौन सा है, जैसे कि यहां पर होम के नीचे क्लिक करेंगे तो यह कौन सा आपका टूल बॉक्स। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं टूल बॉक्स। ओके, अब यहां पर यह जो अलग अलग यहां पर देख रहे हैं, एक जो व्हाइट पट्टी दिख रही है यहां पर, यह अलग अलग खानों में यहां पर बांटा गया, जैसे कि क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर हो गया, स्टाइल हो गया, सेल हो गया, एडिट हो गया। तो यह जो खानों खानों में यहां पर बांटा गया इसको क्या बोलते हैं, टैब, TAB, टैब यहां पर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर रो की, तो रो आपको जब यह प्रोवाइड करेगा इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, रो, और इस तरीके से अगर प्रोवाइड करता है इसको कॉलम। तो याद करने के लिए तरीका यहां पर है कि कॉलम खड़ा रो पड़ा, यहां पर अगर कोई छोटा व्यक्ति है यहां पर अगर कोई मार दिया है तो वह जैसे रोता है तो वह हमेशा जो है जमीन पर लेट करके रोता है, उसको बोलते हैं रो। और आपका कॉलम मतलब जो मकान बनाया जाता है और वह पिलर उसमें तैयार किया जाता है उसको जो बोलते हैं पिलर को क्या बोलते हैं, कॉलम खड़ा। तो याद करने का तरीका देखिएगा ध्यान से, कॉलम खड़ा रो पड़ा, यह सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों को याद करने का। कॉलम खड़ा, कॉलम मतलब यह हो गया आपका, रो मतलब यह आपका हो गया। ओके, कॉलम यह, रो यह, तो इसको बोलते हैं कॉलम और रो। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन से जो क्रिया बनता है उसे क्या बोलते हैं, रो और कॉलम से। जैसे कि मान लीजिए यह आपका रो हो गया और यह आपका कॉलम हो गया,
तो इसके रो और कॉलम से एक हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है, यह सेल हो रहा है। तो यहां पर देखेंगे यह आपका क्या हो रहा है, सेल प्रोवाइड हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं कि रो कितना पाया जाता है और यहां पर कॉलम कितना पाया जाता है। तो रो की संख्या यहां पर देखेंगे, यहां पर जैसे क्लिक करेंगे यह कॉर्नर में ए और वन देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे, यहां पर प्रोवाइड मैं जूमिंग कर दे रहा हूं। अब यहां पर देखेंगे कि रो और यहां पर देखेंगे वन हो गया और यहां पर वन, ये आपका ए हो गया, यहां पर वन हो गया। अब जैसे यहां पर मैं क्लिक करूंगा यहां पर देख रहे हैं कॉर्नर में कि 10 48 576 क्या दे रहा है, आर मतलब रो हो गया और कॉलम यहां पर ई प्रोवाइड करेगा। तो इसको थोड़ा सा अगर इंक्रीज करेंगे तब ये आप लोगों को दिखाई देने वाला। अब यहां पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखेंगे कि 10 48 576 रो, आर मतलब रो, और कॉलम कितना हो गया 16384, यहां पर सी मतलब कॉलम हो चुका है। ओके, तो आप लोग पता करना कैसे है, तो आप लोग यहां पर पता कर सकते हैं कि कॉलम कितना है रो कितना है। तो रो आपका जो होता है 10 48 576 और कॉलम कितना होता है 16384 आपका यह कॉलम होता है। ओके, अब जैसे यहां पर देखेंगे कि एफ एक्स, इसको बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के जस्ट बगल में होता है इसको क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। आप इंसर्ट फंक्शन का भी यूज ये फार्मूले के लिए ही किया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे सम एवरेज इफ हाइपरलिंक काउंट मैक्स मीन और भी इसमें जो चीजें हैं यहाँ पर फंक्शन के लिए, यहाँ पर फार्मूला के लिए यूज किया जाता है। तो आप इसी के लेफ्ट साइड में देखेंगे कि यहां पर देखेंगे कि अभी H8 प्रोवाइड हो रहा है, जैसे यहां पर क्लिक करूंगा तो I3 हो गया, यहां पर G8 हो गया, यहां पर देखेंगे B8 हो गया और C4 हो गया, ये देख रहे हैं ना। इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं। अब यहां पर हम बात किया जाए, अगर आप लोगों को देखना है कि जो कॉलम का लास्ट एड्रेस सेल है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और यहां पर राइट एरो जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि XFD आपका कौन सा है, लास्ट सेल एड्रेस है। क्या है, लास्ट सेल एड्रेस XFD है। अगर डाउन में देना होगा कंट्रोल के साथ डाउन करेंगे, यहां पर देखेंगे कि 10 48 576 आपका कौन सा दे रहा है, रो हिस्सा दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो है यहां पर यूज कर सकते हैं। अब वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हो लाइक कर दें। अब यहां पर हम बात करते हैं जूमिंग की, तो जूमिंग इसमें देखेंगे कि मिनिमम जो है आपका 10 पाया जाता है, मैक्सिमम यहां पर 400। यहां पर मेरा माउस का कर्सर देखिएगा, यहां पर जूमिंग जो है मिनिमम कितना होता है, यहां पर 10 और यहां पर देखेंगे मैं इसको जो है प्रोवाइड करा दे रहा हूं, ये आपका 10 हो गया। यहां पर देखेंगे ये देखेंगे 10 दिख रहा है ना, यहां पर थोड़ा से आप यहां पर इसको अगर देखना है तो आप इसको मैक्सिमम भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम करने के लिए आप इसको ड्रैग करेंगे यहां पर और इसको जो है जूमिंग यहां से यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो जूमिंग होता है यहां पर देखेंगे 400 प्रोवाइड किया गया है। ओके, मैं यहां पर इक्वल पकड़ के छोड़ दे रहा हूं। ओके, तो इक्वल पर 100 पर होता है, मिनिमम कितना होता है, मिनिमम 10, यहां पर मैक्सिमम 400। ओके, तो यह आपको मैक्सिमम 400 मिनिमम 10 मतलब 10 पाया जाता है। अब यहां पर इसी के नीचे यहां पर देखेंगे कि मैं थोड़ा सा इसको जो है छोटा कर दे रहा हूं और यहां पर दिखाई देगा आप लोगों को, यह देखेंगे यह जो सीट प्रोवाइड हो रहा है इसी के नीचे ये जो पाया जाता है यहां पर इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। और यहां पर यह आप लोगों को जो रेडी दिख रहा है यह आप लोगों को रिकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं माइक्रो रिकॉर्ड करना। यहां से आप लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और माइक्रो स्टॉप भी कर सकते हैं। माइक्रो पर भी जो मैं कई वीडियो बना चुका हूं आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। यहां पर अब हम बात करते हैं कि अगर यह चीजें प्रोवाइड करना है, मान लीजिए यहां पर हमें कोई अंक लिखना है 1 2 3, यह आपका हो गया।
यहां पर अगर इसको हम ड्रैग कर रहे हैं पकड़ करके नीचे की तरफ, तो जब तक यह सेलेक्ट हो गया, अब इसको जो हम सेलेक्ट करके यहां पर ड्रैग कर रहे हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटो फिल ऑप्शन। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह आप लोगों को यहां पर दिखता हुआ नजर आएगा, ऑटो फिल ऑप्शन देखेंगे माउस के नीचे यह दिख रहा है ऑटो फिल ऑप्शन। अगर इसको डिलीट करना होगा तो इसे पकड़ के अप कर लेंगे, ऊपर की तरफ खींच देंगे तो यह आपका क्या होगा, डिलीट हो जाएगा जितना आप लोगों को चाहिएगा। अब यहां पर छोटी सी एक मैं बता रहा हूं फॉर्मेट पेंटर क्या कार्य करता है। तो फॉर्मेट पेंटर जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट यहां पर मैं टाइप कर दे रहा हूं देवराज, अब यहां पर मैं कोई कलर लगा दे रहा हूं, ये आपका कलर हो गया, और इसको टेक्स्ट हम बोल्ड कर दे रहे हैं यहां पर ये आपका, और यहां पर एक नॉर्मली टाइप कर दे रहा हूं ये आपका। तो यहां पर देखेंगे कि फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करते हैं, यहां पर क्या करना है, क्लिक करना है, यहां पर आप लोगों को क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर। एक मैं टूल के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम आने वाली चीजें हैं यह फॉर्मेट पेंटर। तो वो यहां पर क्या करना है आप लोगों को, फॉर्मेट पेंटर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह देखेंगे कि आपको इस तरीके से एक आयताकार में गिर जाएगा, इसको बोलते हैं सेल। और यहां पर अगले वाले सीट पर माउस के कर्सर के देखिएगा एक ब्रश बन के आ गया है, उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देने वाला है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जो लोग चैनल पर हमारे नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे जो भी हमारा वीडियो बनेगा टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।